अरे कल जाएगा 8 तारीख, बता आज 2 तारीख है भोपा। यो कह रहा फ्राइडे क्या भोपा 10 तारीख हमें बोलना यहाँ बैठा नीचे मुंह करके। तो गाइज हमारा घूमने का प्लान बन चुका है, हम निकलेंगे 17-18 तारीख को, 16 को ही निकल लेंगे। हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपके? देखो भाई तुम हमारी सोसाइटी देख लो, ठीक है गार्ड साहब, क्या हाल चाल? ठीक हो? तो यार देखो जो गाड़ी खड़ी है ना भाई, यो मैं मतलब चलाना चाहता हूँ किसी दिन, इसे चले के पहाड़ पर जाना चाहता हूँ किसी दिन। ये चढ़ेगी ना चढ़ेगी वो मुझे पता ना, पर फिलहाल के लिए मैं रेडी हूँ नहा लिया। पर यार एक बताऊँ, व्लॉग तो एक चीज़ तो बहुत बढ़िया होगी कि नहाने का रूटीन सा हो गया है ना। अभी मैंने एक दिन स्किप कर दिया वो नहाने के चक्कर में, क्योंकि मैं नहाया ना था, तो मैं यार बिना नहाए मैं नहीं दिखाऊँगा अपना फेस। ये हमारी हबीबी, यार मैंने कौन सी गाड़ी देखी थी अभी, मैंने गाड़ी देखी थी अपनी छत पर था जिसके वाइपर खड़े थे, पर ये हमारी तो नहीं खड़े यार, मतलब ये साफ़ नहीं हुई क्योंकि मैं अभी आया हूँ चंडीगढ़ से। मेरी आंख देख सकते हो तुम, लाल हो रही है, गाड़ी चला के लेकर आया हूँ। यही थार थी मेरे पास, पर भाई इस गाड़ी ने मैं ना दुखी कर दिया, आदत सी ना थी ना, मैंने मतलब बहुत दिनों के बाद चलाई है, बहुत दिनों के बाद के मैंने चलाई नू लगा लो दूसरी तीसरी बार है। मैं भाई इस सीट पर बैठ के गया, ठीक है यो सीट पर चलाई, मेरा पता ना कैसे फिट ना बैठ पाया मैं इसमें। अब मैं जैसे स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, ठीक है स्कॉर्पियो पे ऐसे बिल्कुल फिट आ जाऊँ कि कोई दिक्कत ही ना है, बिल्कुल कंफर्टेबल। लेकिन भाई इसने तो मैं दुखी कर दिया, मेरी कमर में दर्द कर दिया। इन्हू कह रहे हैं कि आगे वाली सीट कंफर्टेबल, ऐसे तो स्प्रिंग वगैरह लग रही है इसमें सब कुछ, पर पता ना कैसे बैठने में ऐसे बैठा था मैं जैसे कहीं बस बुस को ड्राइवर बैठा हो ऐसा करके, ऐसे फील आ रही थी मैंने यार। अब देखता हूँ, अब दोबारा मैं जाके मनीष तक अपनी अभी भी ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ। तो गाइस अभी अभी मनीष शर्मा का फोन आया है कि यार मुझे वो LED ले आना यार, आज LED चाहिए मुझे अपने रूम में। मैं कहा चलो भाई ठीक है ले आते हैं तुम्हें। भाई एक बात तो यार, शादी शुदा बंदे के मतलब बहुत से काम हो जाते हैं, अब उसके वो चाहिए LED अपने रूम में। नू लगा लो तुम, बचपन तक लेके और अब तक। भाई बचपन में कभी TV था हमारे घर में जो लग रहा था, वो भी अटका था जब हम पुराने घर रहे करते, जब ही मतलब हटा दिया था, क्यों कोई देखे ही ना करता, ना मैं देखे करता ना वो देखे करता, फोन में ही जो है वो है। अब तक जब हम टुलिप में रहे करते, जब तक हमारे टुलिप में तो हमारे घर में TV ही नहीं था भाई, टीवी ही नहीं था, ना रूम में ना हॉल में कहीं भी ना था। तो अब नू कह रहा है कि जाके एक LED लिया मेरे रूम के लिए और हॉल के लिए। तो हॉल के लिए तो मैं बाद में ले आऊंगा, पहले इसके रूम के लिए ले आता हूँ और उसे चालू भी करवा देते हैं आज ही, ठीक है। मैंने कही मैं यार LED बहुत सस्ती सस्ती आ रही है, नू कह रहा ना इतने की है 30-35 हजार रुपए की। मैं कह 30-35 हजार रुपया एक छोटी सी LED पे 32 इंची की लगेगी यार, 32 इंची के लिए कोई 35-40 हजार रुपए थोड़ी देगा, सस्ती वाली ले आऊंगा मैं। और सस्ती वस्ती कुछ ना हो करे यार, LED को LED है, 32 इंची सेम उतना ही साइज लेकर आऊंगा। हाँ रह है थोड़ी सी क्वालिटी वालिटी का फर्क रह, पर आजकल तो नाम नाम की क्वालिटी है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। नाम बिक रहा है, जैसे कि एक नाम चल जाता है ना, जैसे हल्दीराम है तो हल्दीराम का कहीं भी चला जाओ। लेकिन जैसे मैंने अभी पीछे से वो मंगा के लाया था, वो मंगाया था क्या नाम है, डोसा मंगाया था भाई हल्दीराम में, था इतना गंदा स्वाद था ना, हद कर दी। और स्विगी की बता देता हूँ मैं तुम्हें, कल गाइस मेरे साथ बहुत गलत सिस्टम हुआ स्विगी वाले ने क्या करा, मैंने 11 बजे ऑर्डर किया, एक कोई वाजीवा करके कुछ था उससे ऑर्डर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फोन किया, वो 8 मिनट दिखाया जा रहा कि 8 मिनट में भाई पहुंच रहा हूँ। फिर मैंने कॉल करी हार के, मैं भाई कहाँ रह गए भाई, मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आ रहा, यो कैसा भाई क्या सीन हो गया? कह रहा कि मेरे साथ हाथापाई हो गई। मैं किसने कर दी हाथापाई? नू कह रहा यहाँ लड़के खड़े थे, यहाँ हाथापाई हो गई, और आप ना लोकेशन डाल दो दोबारा तो मैं देखता हूँ। मैं चल ठीक है भाई कोई बात ना। थोड़ी देर बाद फिर मैंने फोन करा वापस, फोन कटते ही कि भाई आप ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कह रहा ठीक ना हूं मैं। अब पता नहीं भाई स्विगी वाला बोल रहा था वो, या जिन बच्चों ने हरकत करी वो थे। तो उन्होंने कह रहा ठीक ना हूं मैं। मैं भाई अगर ठीक नहीं हो तो PCR VCR बुला लो, 100 नंबर पे फोन कर लो, पुलिस में कंप्लेन कर दो। कह रहा तू तो बुला ले, मैंने तेरी ऐसी की तैसी। फिर मैंने कुछ बोला ना, मैं कह यार वो भी फोन पे है, मैं भी फोन पे हूँ, अगर मैं ही तो कुछ बोलूंगा तो 2 कोड़ी का आदमी जो भी था वो वहां तक, भाई क्या है ना आमने सामने हो तो हम कुछ करें भी। अब मैं यहाँ तक अगर कुछ बोलूंगा उल्टा सीधा कुछ भी कहूंगा उसको, तो वहां से गाली बकेगा, मैं यहाँ से गाली बकूंगा, तो उसमें कोई फायदा ना है। तो मैं कहा भाई ठीक है एक काम कर, तू ही बुला ले तो बार अपनी ऐसी तैसी करूंगा। मैंने तो उसी टाइम स्विगी डिलीट मार दिया भाई। ठंडा लगवा रहा तो है, पहले तो ना लगवाए थे ना ठंडा।
तो भाई थार करवा दी है यहाँ खड़ी, भाई यहाँ थार करा कि इस पर चलेंगे, स्कूटी पे चलेंगे, थार ना खड़ी कर देता हूँ मैं आ गया भाई गली मोहल्ले में। वैसे दिक्कत तो रहेगा गाड़ी इनकी, देखो वहाँ तो चालू होगी, यहाँ तक यहाँ अब यहाँ लग जाएगी, ठीक है लाइन तो खड़ी हो जाएंगी, ठीक है 1 2 3 4 चार गाड़ी तो ये अपनी अपनी होगी, आगे वहाँ तक लाइन लग जाएगा। अगर मान लो एक आदमी के पास 6-7 गाड़ी हो तो भाई गली मोहल्ले में तो खड़ी हो गई ना वो, इसमें नुए सोसाइटी कामयाब है। कहाँ जा रहा है, है? जा मेडिकल स्टोर। कब आया था तू? दो दिन हो गए। मैं हूँ कौन है? फिर मामा तो नमस्ते करे करे ना करे करे। अच्छा फिर अब देख लिया तूने कौन है, फिर नमस्ते कर क्या? अच्छा सुनी ना तो दोबारा कर। नमस्ते, ये हुई ना बात, कभी यार कोई कोई तो मिले नमस्ते करने वाला। तो भाई फिलहाल मैंने एलईडी ले ली है, अब एक काम हो गया हमारा खत्म, लेकिन 5 स्टिक लेनी है। ओए संदीप वो कहाँ मिलेगी 5 स्टिक? अरे जो उसमें एलईडी में लगे, अरे ना यही मिल जाएगी कहीं गुड़गांव में ना। और उसकी कैसे करनी है घूमने की, पक्का चल रहा है? आज ही चल रहा है, देख पटियाला पूछ रहा हूँ मैं फिर है? वो तो कह रहा है नुकर गिरिराज जी जा रहा हूँ मैं, अगर जाओ तो बताओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। तो गाइज अभी फिलहाल हम पटियाला तो लेने वाले मजे, वैसे हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है मैं संदीप संदीप भी नुकरा कि ठीक है चल दे कोई दिक्कत वाली बात ना है, पटियाला तो एक बार मना करके देखते हैं कि क्या वो रहेगा उसका, ठीक है फोन कर रहा हूँ मैं भी, फोन पर देखना तुम। सुन गाड़ी बकेगा छुट्टे, गाड़ी बकेगा इधर का पटियाला पहले तो भाई ये नु कहेगा, मैंने तो पहले ही कही थी जब तक पीले आने जब तक सुधर गाना देख लो। ओ भाई कॉपीराइट आ जाएगा रे, हाँ कॉपीराइट आ जाएगा तो बन। हेलो हेलो आ रही है आवाज? हाँ ये पता भाई, वो तो नु कह रहा है कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा अभी, वो कह रहा ना। हाँ नु कह रहा यार वो, मतलब नु कह रहा वैसे तो फ्री हूँ मैं, फिर अब वो पंडा ही ना जा रहा तो नु कर फिर हम तीनों के करेंगे हैं? जो बात तो सही है चाचा। फिर कैसे करें अब? कैसा मैंने गिरिराज जी की मना कर दिया हैं? मैंने गिरिराज जी की मना कर दिया, मना कर दी। ये कह रहा यूट्यूब की दिक्कत आ रही है, यूं कह रहा भाई मैं पंडा ना जा रहा तो मैं भी ना जा रहा, फिर तीन के करेंगे। हाँ अरे आजा चल रहे हैं सुन आजा, मैं तू और पूमा तीनों चल रहे हैं आजा। हैं तुम बैग से पागल बना रहे हो, बैग ठाक आ जाऊं? हां हां बैग ठाक आ जा तू, कोई दिक्कत ना, चलेंगे तो कह दे, तो कह दे आ जा अपना सूट केस उठा ला। आज से दिखाई नहीं दे रहा, गया कहां? बंगाली स्माइल भाई, बंगाली बहुत शर्मा है बहुत ज्यादा। कीवी से? क्या कीवी से? कीवी से मिलना, कीवी से मिलना है, क्यों अच्छी लगती? हाँ। बहुत अच्छी लगती है, खा जाएगी वो? नहीं खाती। तुझे कैसे पता? मैं एक बार और मिला था। मिला था, पक्की बात है? हाँ। देख ले खाएगी तो फिर मैं तो मत कही। चल तूने व्लॉग चैनल बनाया था अपना? नहीं बनाया। तुझे आता है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करना? अभी तो नहीं आता। नहीं आता? तू तो उस दिन बोल के दिखा रही थी मैं ऐसे से बोलूंगी, मंगाली उस दिन बोल के दिखा रही थी ना, है ना? इधर मुंह करके बोल। हाँ मंगाली इधर देख। ये मिथुन तेरा फेवरेट एक्टर कौन है? चल अपना नाम बता दे, तू अपना नाम बता दे जल्दी। बालूच का नाम पता है तुझे क्या है? मिथुन चक्रवर्ती है? हाँ ये मिथुन चक्रवर्ती नाम है। अच्छा जी ओए पटियाला सेठ चले, तैयार है? पक्की बात है भाई, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो भाई, अभी चलो। रोहित भाई हाँ भाई, तू ये जाड़े वे दोस्त हैं जो क्या ही बोल दूँ मैं इसके बारे में भाई, जिंदगी में ना जिंदगी में इससे इस छोरा पे कभी यकीन मत कर लेना, यही हो रहा, इसकी शकल भी बुरी लगन लगी मैंने। ओए इसने करवा लिया अपने हस्ते से, कौन बिठा रखा है? उठा दे, चलो चल भाई चल, मालिक ने कह दी, मालिक ने कह दी जा हॉस्पिटल में चला जा। और ये लोग कहा मैं नहीं जाता ना तो गधा लाओ मेरे खातर, जूते चप्पल माला उस पर घुमाओ पूरे बड़े जार तक, सबसे बढ़िया सजा इसके लिए ये है। अगर नहीं जाता एक बार कहने के बाद बता कब चल रहा है आपके लिए?
चल रहा है सुन पंडा, तू डेट बता, डेट बता, डेट बता, कब चल रहा है? चलूंगा 3 दिन के लिए। अरे तू मेरे लिए 2 दिन के लिए चलियो, भाई यार भी जाएंगे, बता 2 दिन में अपने वापस आ जाइए, 2 गाड़ी जाएंगी। बोल नीचे करके ऐसे बैठा शर्मिंदा फैल है भाई, 10 तारीख फैल है। अरे कल जाएगा, तारीख बता, आज 2 तारीख है भोपा, यो कह रहा फ्राइडे, क्या भोपा 10 तारीख हम भी बोल रहा यहाँ बैठा नीचे मुंह करके, दिन देखो ना, हाँ दिन देख गाइस ऐसा आया, हमने बना रखा था घूमने का, आज निकलने का प्लान, इसने अपनी एस टी करवा ली, अब यो हमारी करवाण पे तुल रहा है, ठीक है, पर ये उन्होंने कह रहा है कि नेक्स्ट डेट दे रहा हूँ मैं, उसने चलूंगा, अगर ना चला तो भाई क्या करना, क्या करेंगे, गधा लाऊंगा सिर पे सर और जूते चप्पल माला और पूरा मोहल्ले के अंदर घुमाना भाई, एक नंबर का बढ़िया। 17, 18, 19 चलेगा है, अगर उस दिन नहीं देता क्या करोगे फिर, यो किए तो उसका अगला वीक भाई सुन, यो होगा आज तो तीसरा, 2 तारीख आज, हाँ 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कह रहा है भाई, उस दिन भी नहीं जाएगा, लिखवा लो पैसा का, मालिक आ रहा है इसलिए, वो शोरूम का मालिक आ रहा है ना, रिबन लगाना भाई सब ना, ना रिबन तो यही काटेगा, जो कंपनी का मालिक है वो पीछे खड़ा रहेगा। अब बता के जब भी मैंने डेट दी है, जो कौन सी डेट, डेट के साथ बोल, 17, 18, 19 फरवरी मार्च अप्रैल मई, इसी महीने हाँ। अगर नहीं गया तो 2023 पार्टी मेरी तरफ, पार्टी ना कोई, सुन उस ट्रिप पर जो भी जितने भी जाएंगे, जितने खर्चा होगा मेरी तरफ से भाई, ट्रिप का नहीं गया तो हमारा, और लास्ट में गधे में भी घूमेगा ये गधे में। तो गाइज हमारा घूमने का प्लान बन चुका है, हम निकलेंगे 17-18 तारीख को, 16 को ही क्या, 2 गाड़ियां जाएंगी, तो वे भाई जो हैं वे अपना मतलब जल्दी घूम कर जाएंगे, क्योंकि इनका थोड़ा जॉब वॉब का दिक्कत है, और हम रहे ठाली इंसान, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो हम हो सकता है आगे निकल जावे, मैं पटियाला और संदीप, हम तीनों निकल जाएंगे आगे, ये तीनों आ जाएंगे वापिस, अभी तक 6-7 जने इनका बन रहा है कुछ प्लान, पर देखते हैं और भी गाड़ी हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता चलता, तो भी रहेगा वो देख लेंगे, लेकिन मेरी बेइज्जती होगी भाई आज तो, क्योंकि मैंने घर पे बोल दिया था कि मैं 2 तारीख में निकल जाऊंगा, कंफर्म निकल जाऊंगा, अब ऊपर जाऊंगा ना तो वो जरूर कहेगा मनीष ऊपर बैठा है, मैं दोनों फोन करा नू करा, अरे बैग पैक रखा है कब जाएगा, भाई जाएंगे भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, कल मैं रात को आया, फिर मैं सो गया, मैं मतलब थक रहा था बहुत ज्यादा ना, तो आज नींद पूरी हुई है भाई, रात की नींद रात को ही पूरी होती है, ये चीज मैंने मान ली। चलो अभी फिलहाल मुझे रैपिंग के लिए स्कॉर्पियो भी छोड़ कर आनी है, तो मैं नहा धोकर निकल जाऊं, क्योंकि नहाना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो ना क्यों नहाना पड़ेगा मुझे सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहाना पड़ेगा, वरना मैं नहाता ना, तो अब मैं नहा धोकर निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई का भी फोन आ चुका, भाई नहीं उठाया हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, मैं निकल रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो आपने अगर ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलते हैं फिर नए व्लॉग में।